सुरभि चांदना ने किया अपने नागिन 5 के एक्सपीरियंस को शेयर। इसी के साथ नागिन सागा की बुक को भी कर रही है सुरभि काफी एंजॉय। नागिन 5 में हो गई है सुरभि चांदना की एंट्री, जहां वो निभाते नजर आएंगी बानी का किरदार। ये कहानी शुरू हुई है हीना खान, धीरज धूपर और मोहित मल्होत्रा के साथ, जिसे कर रहे हैं दर्शक काफी पसंद। अब सुरभि चांदना, मोहित सहगल और शरद मल्होत्रा इस कहानी को आगे बढ़ाते नजर आएंगे। शो में सुरभि की एंट्री से फैंस हो गए हैं उनके दीवाने। सुरभि है काफी एक्साइटेड बनकर नागिन 5 का हिस्सा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सुरभि ने शेयर किया एक वीडियो, जहां वो नागिन 5 सागा बुक के साथ नजर आई। इस बुक में नागिन 1 से लेकर नागिन 4 तक की कहानी को दर्शाया गया है। सुरभि काफी एक्साइटेड होकर दे रही है अपने फैंस को ये मैसेज कि वो नागिन 5 का हिस्सा होने के फीलिंग को नहीं कर पा रही है शेयर। सुरभि ने इस वीडियो में कहा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने नागिन 5 के संडे के एपिसोड को एंजॉय किया था। हम देख रहे हैं कि हमारे रास्ते में इतना प्यार आ रहा है, हमारे भीतर बहुत ऊर्जा है, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बेशक हम डर गए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन हम सब कुछ संभव महसूस कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि मैं अभी भी इस भावना को महसूस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं नागिन का हिस्सा हूँ। इतना बड़ा ब्रांड, ये इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी है और ये एक बड़ा शो है नागिन 5। इससे आगे सुरभि ने कहा, सो आई केम होम फ्रॉम दिस फन शेड्यूल, इस लवली हैंडबुक नागिन सागा के साथ। इसमें नागिन के हर चैप्टर्स है, इट्स एन एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट सारे सीजन, लेकिन मैं जिसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो है चैप्टर 5, नागिन 5। इसी के साथ इसके कैप्शन में सुरभि ने लिखा, लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस बिगी, द मोमेंट आई सॉ द नागिन बुक आई वॉज एक्साइटेड लाइक अ चाइल्ड, अमेजिंग कॉन्सेप्ट। नागिन 5 की ये बुक तो लग रही है काफी ज्यादा एक्साइटिंग, क्योंकि नागिन 1 से लेकर नागिन 4 तक के चैप्टर्स है सारे इसी में। अब नागिन 5 में सर्वश्रेष्ठ नागिन की कहानी को आगे बढ़ाती नजर आएंगे सुरभि चांदना, मोहित सहगल और शरद मल्होत्रा। क्या मोड लेगी बानी की कहानी, ये तो देखना काफी दिलचस्प होगा। आप कितने एक्साइटेड है नागिन 5 को लेकर और आपको कैसी लगी नागिन 5 की ये बुक, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। टेलीविजन की लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।